तो महामहिम ने बड़ी चतुराई से तुम्हारा नाम लिखने से बचा लिया। क्या भुवन सिंह जी को मुझ पर इतना संदेह हो गया कि वो षड्यंत्रकारियों की सूची में मेरा भी नाम लिखने वाले थे? तुम संदेह की बात कर रही हो? भुवन सिंह जी ने तो मान लिया था कि तुम षड्यंत्रकारी हो, किंतु जब हमें उसका पता चला तो हम तत्काल जाकर उनसे मिले और तुम्हारी स्वामी भक्ति की हमने बहुत प्रशंसा की और फिर उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि आप नहीं होते तो मैं भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। आप बताइए आगे मेरे लिए क्या आदेश है? कुसुमे, वही नया आदेश तो हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। भुवन सिंह जी ने महामहिम से महल में छिपे हुए षड्यंत्रकारियों की सूची मांगी है और अब तुम्हें उन षड्यंत्रकारियों को पहचानना है। ये कैसा आदेश है हजूर? यदि मैंने महल में छुपे षड्यंत्रकारियों का नाम बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ये भली भांति जानते हैं कि महल में छिपे षड्यंत्रकारी और कोई नहीं अपितु आप दोनों हैं। ये बात हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता, इसीलिए हमें उन राज अतिथियों को किसी भी तरह षड्यंत्रकारी घोषित करना है जो महल को अपनी ससुराल समझकर रह रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप हमारे राज अतिथियों को षड्यंत्रकारी घोषित करना चाहते हैं? हमारे सभी राज्य अतिथि किसी ना किसी राज्य के युवराज हैं, तो हम युवराजों को षड्यंत्रकारी कैसे घोषित कर सकते हैं? ये सोचना तो तुम्हारा कार्य कुसुमी, तुम्हारा। जिस तरह महामहिम ने भुवन सिंह जी से तुम्हें बचाया है, ठीक उसी तरह तुम्हें समस्त युवराजों को अपने छल कपट से फंसाना है। हुजूर, मुझे इस कार्य के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा समय चाहती है कुसुम। मैं सोच समझ कर कोई ऐसी योजना बनाऊंगी कि समस्त अतिथि युवराज मेरे जाल में फंस जाएंगे। हम तुम्हें समय अवश्य देंगे, किंतु तुम्हें कोई ऐसी ठोस योजना बनानी होगी जिससे वो समस्त युवराज महाराज और भुवन सिंह के सामने चोर उचक्के साबित हो। तुम अपनी दृष्टि उन समस्त युवराजों पर रखना आरंभ कर दो। कुसुमी, यदि इस कार्य में तुमने शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त कर ली तो हम तुम्हें इतने उपहारों से लाद देंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगे। बस इतना याद रखना कि महामहिम उन समस्त युवराजों को शीघ्र से शीघ्र रूपनगर के इस महल के बाहर देखना चाहते हैं। अब हम चलते हैं और तुम तत्काल अपना षड्यंत्र रचना आरंभ कर दो। चलिए महामहिम। अब तुम दोनों अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि अति शीघ्र तुम दोनों अपने ही बनाए हुए षड्यंत्र के जाल में फंसने वाले हो। सूर्य प्रताप सिंह का कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता अचानक वो लुप्त कहां हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपनगर की किसी माया की शक्ति ने उन्हें निगल लिया हो? नहीं नहीं ईश्वर, ऐसा मत होने देना। वो जहां कहीं भी हो सुरक्षित हो, उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकालना होगा, कहीं ना कहीं से, चाहे वो जहां कहीं भी हो।
परिचित युवती कौन है? संभवतः ये हमें विचित्र सेन समझ रही है। अपनी दासी कुसुमी का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। कुसुमी? हाँ, आयुष्मती भव। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। महल में आया हुआ एक अतिथि युवराज स्वयं को आप यानी कि जादूगर विचित्र सेन बता रहा है। अवश्य ही वो आपके विरुद्ध कोई छल कर रहा है गुरुदेव। बस यही बताने भागे भागे हम आपके पास चले आए गुरुदेव। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये युवती अवश्य ही जादूगर विचित्र सेन से मिली हुई है। अब हमें भी कोई चाल चलना होगा, पर इससे विचित्र सेन बनकर ही बात करनी होगी। आप चुप क्यों हो गए गुरुदेव? वो अतिथि युवराज स्वयं को गुरुदेव क्यों बता रहा है? हाँ कुसुमी, हम भी इसी बात पर विचार कर रहे थे। कौन है वो युवराज जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है? गुरुदेव, वो और कोई नहीं, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह का भाई कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह है। देखो कुसुमी, ये कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह अवश्य ही हमारे विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हें इसका पता लगाना होगा कि वो क्यों स्वयं को जादूगर विचित्र सेन कह रहा है। मैंने पता लगाने का प्रयास किया था गुरु, उसने मुझे बताया कि वो रूपनगर का सम्राट बनना चाहता है। रूपनगर का सम्राट? नहीं कुसुमी, नहीं, कदापि नहीं। रूपनगर का सम्राट यदि कोई बनेगा तो केवल हम बनेंगे, केवल हम। हमारे रहते दूसरा कोई भी रूपनगर का सम्राट नहीं बन सकता। किंतु गुरुदेव, वो युवराज महल में बैठा बैठा अवश्य कोई ऐसी योजना बना रहा है जिससे सारे रूपनगर की बागडोर उसके हाथ में आ जाए। उसमें तुम उसकी प्रत्येक योजना की सूचना तत्काल राजकुमारी चंद्रमुखी को दे दो, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी को जैसे ही उसके षड्यंत्रों का पता चलेगा वो उस कपटी युवराज को तत्काल कारागार में बंद कर देगी। गुरुदेव, वही तो मैं नहीं कर सकती। आपने राजकुमारी चंद्रमुखी का रूप परिवर्तित करके अपने ही हाथ काट लिए हैं। महाराज ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जादूगर विचित्र सेन ने राजकुमारी चंद्रमुखी का रूप परिवर्तित कर दिया है। अब किसी भी तरह उस जादूगर को महल से बाहर खदेड़ना होगा, अन्यथा वो दुष्ट रूपनगर को तहस नहस कर देगा। गुरुदेव, कि आप बार बार क्या सोचने लग जाते हैं? मैं बहुत कठिनाई से छिपते छिपाते आपके पास पहुंची। शीघ्र अति शीघ्र कोई उपाय बताएं गुरुदेव, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। उपाय? उपाय बताने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। हमें जैसे ही कोई उपाय सूझेगा हम तत्काल तुमसे संपर्क करेंगे और तुम्हें बताएंगे। तब तक तुम उस युवराज पर कड़ी दृष्टि जमाए रखना, और हाँ, उसकी बातों में मत आना। और यदि कोई आदेश वो तुम्हें देता है तो तुम उसके आदेश का कतई पालन मत करना। हमें तत्काल उसके आदेश की सूचना देना कि वो चाहता क्या है, और हम भी ध्यान लगाकर देखते हैं, पता करते हैं कि वो हमारे विरुद्ध कौन कौन से षड्यंत्र रच रहा है। जी गुरुदेव, प्रणाम। विजयी भव। अच्छा हुआ। अब कुसुमी के द्वारा महल की सारी गुप्त सूचनाएं हमें बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाएंगी। परंतु इसके लिए कुसुमी के समक्ष हमें स्वयं को विचित्र सेन ही दर्शाना होगा। देखते हैं रूपनगर के महल में कौन कौन से नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।
हुजूर, हम अंदर आ सकते क्या? अरे आओ चंगू मंगू, आ जाओ। हुजूर हम आ चुके हैं। चंगू मंगू, इस पूरे राज्य में हमारी चिंता किसी को नहीं, केवल तुम दोनों ही हमारे शुभ चिंतक हो। पर क्या बात, आज तुम दोनों के चेहरे बड़े पीले पड़े। क्या तुम्हारे उस धुआं सिंह ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? हुजूर, वो हमें क्या नौकरी से निकालेंगे, हम ही उन्हें अपना स्वामी बना कर रखे। हम जब चाहे तब उनकी नौकरी छोड़ के जा सकते हुजूर। आप हमारी चिंता छोड़िए हुजूर, और अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि आप भी हमारी सरकार की तरह युवा होने के पहले ही विधवा बनने वाले। विवाह होने से पहले विधवा? ये तुम क्या कह रहे हो? हुजूर, हम जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या महल में होने वाली उथल पुथल के बारे में आपको पता नहीं? हमें इस महल में होने वाले कार्यों के बारे में बताता ही कौन है? शीघ्र बताओ, ऐसा क्या हो गया जो तुम कोई अपशगुनी समाचार देने हमारे पास आ गया है? हुजूर, महल में जो हो रहा है उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से धरती सरक जाएगी और छत आपके सर पे गिर जाएगी। ऐसा क्या हो गया, शीघ्र बताओ। राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का स्वप्न भूल गई। हुजूर, राजकुमारी चंद्रमुखी कहीं लुप्त हो गई है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अमल का पुलिस रूप नगर अपने प्राणों को हथेली पे लेकर आए, इसके नहीं कि राजकुमारी चंद्रमुखी किसी और की हो जाए। राजकुमारी चंद्रमुखी केवल भानु प्रताप सिंह की होगी। आप पहले मंगू की पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा। अरे बताओ बताओ, शीघ्र बताओ, क्या बात हो गई है? ये तो भगवान ही जानता है, हमें जो पता चला वही आपको बताने आ गए। हमें ये भी पता चला है कि जो युवती स्वयं को राजकुमारी बता रही है, उसे महाराज फांसी का दंड देने का आदेश दे दिया है। फांसी? अरे कौन है ये युवती जो स्वयं को राजकुमारी चंद्रमुखी बता रही है? हम उससे मिलना चाहते हैं। हुजूर, उस युवती से तो आप कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि महाराज ने उसे ऐसी काल कोठरी में डाला है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप हमारी बात मानिए तो आप तत्काल इस महल से 9-2-11 हो जाइए, अन्यथा आप भी दंड के भागीदार हो सकते हैं। हम बलकापुरी के इकलौते युवराज कुंवर भानु प्रताप सिंह हैं, हमें कोई भी दंड नहीं दे सकता, पर हम में इतनी क्षमता है कि हम राजकुमारी चंद्रमुखी को पाताल से ढूंढ कर भी ले आएंगे। हुजूर, आपकी इच्छा इस जन्म में तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हुजूर, यदि आप इसी तरह राजकुमारी चंद्रमुखी की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। हुजूर, चुप रहो मूर्खो, यदि दोबारा ऐसी अपशगुनी बात की तो हम तुम दोनों को उठा के रूपनगर के मायावी जंगल में फेंक देंगे। जब भी आते हैं कोई अपशगुनी खबर देने आते हैं। जाओ यार। हुजूर, हम जाते हैं, किंतु इतना याद रखिएगा, हमने जो कहा है वो कभी असत्य नहीं होगा। हुजूर, चलो चंगू। चलो चलो चंगू। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? ये सब हमारे उस सौतेले भाई वनराज के कारण हो रहा। यदि हमारा विवाह राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ नहीं हुआ तो हम हमारे सौतेले भाई का वध करके उसकी समाधि यहाँ रूपनगर में बनाएंगे। महाश्वेता, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है
ये जहां हम जा रहे हैं वहां में वो फूल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हाँ युवराज, मुझे पूर्ण विश्वास है स्वामी परमानंद से मिलने के बाद हमें उस फूल के बारे में अवश्य पता चल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए और सतर्कता से आगे बढ़ते रहिए। चलिए। हेलो, युवराज को कहाँ लेकर जा रही है माश्वेता? कहीं नहीं हुजूर, बस महल के आसपास ही घुमाने ले जा रही थी। किसकी आज्ञा से तुम राज अतिथि को इस महल के बाहर लेकर जा रही हो माश्वेता? जी अतिथि, युवराज महल के भीतर रहते रहते उकता गए थे तो मैंने सोचा महल के आसपास घुमा लाऊंगी तो ठीक रहेगा। तुमने ऐसा करके भुवन सिंह जी के आदेशों की अवहेलना की है माश्वेता। क्या तुम भूल गई कि राज अतिथि को इस पुराने महल में क्यों रखा गया? जी सुरक्षा की दृष्टि से पुराने महल में रखा गया है। फिर ये जानते हुए भी तुमने इन्हें महल की सुरक्षा से बाहर लाने का साहस कैसे किया? यदि ये बात महेंद्र सिंह जी और भुवन सिंह जी को पता चल गई तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसमें महाश्वेता का कोई दोष नहीं है। हमें बहुत दिनों से महल से बाहर निकलने की इच्छा हो रही थी, इसलिए हमने महाश्वेता को महल से बाहर निकलने का आदेश दिया था। क्षमा कीजिए अतिथि युवराज, यदि इस महल के बाहर आपको कुछ हो जाता तो हम महाराज को अपना ये मुख दिखाने लायक नहीं रहते। वो तो अच्छा हुआ कि हम अचानक आपकी सुरक्षा देखने के लिए यहाँ आ गए। यदि आपको इस महल के बाहर कोई देख लेता और आप पर आक्रमण कर देता तो हमारा क्या होता? आप हमें इतना निर्बल मत समझिए नागराज। जब हम अपने राज्य से निकले थे तो समस्त शत्रुओं का सामना हमने स्वयं अकेले ही किया था। हमें आपके बल पर कोई संदेह नहीं आती थी युवराज। हम जानते हैं कि आप अकेले अनेक शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं, परंतु हम ये नहीं चाहते कि हमारे राज्य में आपके ओर कोई नेत्र उठा के भी देखे। अब आप कृपया पुराने महल में वापस लौट जाइए। ठीक है, यदि आपको हमारी इतनी चिंता है तो हम अभी इसी वक्त पुराने महल में वापस लौट जाते हैं। हमारी प्रार्थना सुनकर आपने हमें चिंता मुक्त कर दिया वनराज। जाओ माश्वेता, राज अतिथि को पुराने महल में वापस लेकर जाओ। जी हुजूर। तब तक हम आसपास देख लेते कि यहाँ कोई छिपा तो नहीं बैठा है। आइए युवराज। महामहिम, मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। वो दोनों उस पुराने महल से घूमने के लिए नहीं अभी तो किसी और उद्देश्य के लिए निकले होंगे। तुमने हमारे मन की बात कह दी नागराज।